हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। तो आज प्राइम टाइम डिबेट में बात होगी मारा गया गाजी खत्म करो बाकी। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड गाजी मारा गया है और इस कामयाबी को पहला बदला बताया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या दो आतंकियों के मारे जाने से बदला पूरा हो गया। हरियाणा न्यूज यही सवाल पूछ रहा है और देश की जनता भी यही सवाल पूछ रही है कि कब बाकी आतंकियों का खात्मा होगा। तो देश में लगातार आवाज उठ रही है, अब तो पाकिस्तान पर जबरदस्त प्रहार करो, आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दो। यानी गम के साथ साथ लोगों में आक्रोश भी है। पुलवामा हमले के 5 दिन बाद सुरक्षा बलों ने पहला बदला लिया। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है और अब आतंक के सफाए का मिशन चल रहा है। गाजी तो मारा गया है, लेकिन जो बाकी बचे हैं उनका खात्मा कब होगा? देश आज यही सवाल पूछ रहा है। हर ओर से एक ही आवाज आ रही है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। पुलवामा में 40 जवानों की शहादत के 5वें दिन सुरक्षा बलों ने पहला बदला ले लिया। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल रशीद गाजी को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने सोमवार को पिंगलीना इलाके में 11 घंटे से ज्यादा चली मुठभेड़ में गाजी समेत 2 आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। गाजी उर्फ कामरान जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर और आईईडी के जरिए धमाके करने का एक्सपर्ट था। हालांकि इस मुठभेड़ में देश के 5 जवान शहीद हो गए। पुलवामा एनकाउंटर में 5 जवान शहीद। शहीदों में एक मेजर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल। शहीदों में रेवाड़ी के राजगढ़ गांव के हरि सिंह भी। पूरे देश में गुस्से का माहौल है और शहादत का बदला लेने के लिए लोगों में आक्रोश है। जवानों के शहीद होने का गम तो है, लेकिन दिलों में बदला लेने का लावा फूट रहा है। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए हर कोई तैयार है और हमारे सुरक्षा बल भी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहे हैं। पिंगलीना इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी की। इलाके को घेरकर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जिस घर में आतंकी छिपे थे उसे सेना ने धमाके से उड़ा दिया है, जिसमें पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड गाजी ढेर हो गया। अब्दुल रशीद गाजी उर्फ कामरान आतंकी था। सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर हमले का मास्टरमाइंड था। जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर में से एक था। जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर के इशारे पर दिया था वारदात को अंजाम। गाजी ने ही हमले की पूरी साजिश रची थी। मसूद अजहर के सबसे विश्वसनीय करीबियों में से एक था। कामरान को आईडी स्पेशलिस्ट माना जाता था। कामरान को युद्ध तकनीक और आईडी बनाने का प्रशिक्षण तालिबान से मिला था। गाजी ने आत्मघाती हमलावर आदिल डार को हमले के लिए प्रशिक्षित किया था। पीओके में आईएसआई और जैश के आतंकी कैंपों में देखा जा रहा था। अब आतंकियों पर सुरक्षा बल कहर बनकर टूट रहे हैं। गाजी के मारे जाने के बाद आतंकियों की कमर टूट गई है। अब घाटी में आतंकियों का सफाया तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आज देश
फिर से वही सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से जब ये कहा है कि उनकी सरकार इसको गंभीरता से ले रही है और इसका बदला लिया जाएगा, तो क्या सरकार से सवाल पूछें या चुप रहें, इंतजार करें कि सरकार करती क्या है। ये तमाम सवाल है और इन सवालों के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल ये कि एक बार फिर से हमारे सेना के 5 जवान जब शहीद हुए हैं तो इनकी शहादत के मायने क्या है, मतलब क्या है, क्या अंदर जो पत्थरबाज पत्थर लेकर इकट्ठा हो जाते हैं उनके खिलाफ भी अब फाइनल स्ट्राइक की जरूरत नहीं है। चलिए चर्चा का आगाज करते हैं। रिटायर्ड कर्नल आरसी चड्ढा रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सूबेदार विजेंद्र ठाकरान पूर्व सैनिक हैं, प्रदीप नरूरा जी वरिष्ठ पत्रकार, सुदेश कटारिया जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और पराग शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले कर्नल चड्ढा आपसे समझना चाहूंगा और बाकी चीजों पर आए उससे पहले एक चीज जो एक कांटे की तरह चुभती रहती है हमेशा हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की आवाम को, वहां सेना जो जाती है ऑपरेशन करने उसको भी, कि एक तरफ हम आतंकियों को घेर कर बैठे हैं, एक तरफ मुठभेड़ चल रही है, दूसरी तरफ से ये पत्थरबाज आ रहे हैं। इन पत्थरबाजों को क्या आतंकवादियों को बचाने के एवज में आतंकवादी नहीं घोषित किया जा सकता है? हर आदमी आज यही सवाल पूछ रहा है हिंदुस्तान में, ये जो आतंकवादी को बचाते हैं, आतंकवादियों को बचाते हैं, ये आतंकवादी क्यों नहीं है? कर्नल साहब, ये वैसे तो आतंकवादी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जो आतंकवादी उनको बचाने के लिए अपनी कार्रवाई करते हैं और जो आर्मी का ऑपरेशन होता है उनको रोकते हैं, वो ठीक नहीं है। और पत्थरबाज जो आर्मी के जवानों के ऊपर भी पत्थर मारते हैं, अपने पीछे कुछ व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कि हमारे कैसे जवानों को घसीट के उन्होंने किया है, तो मेरे हिसाब से दे आर ऑल्सो आतंकवादी। मैं कल परसों एक पोस्ट देख रहा था इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की, वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को बता रहे हैं कि हम नोइंगली जानबूझ के हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में और सिविलियंस को मारते हैं जान के। वो शायद एक मैसेज कन्वे कर रहे थे कि जो ऐसे गलत काम है उसको हम छोड़ते नहीं हैं। मेरे हिसाब से अभी जैसे मोदी साहब ने ऐलान कर दिया कि ये इनके बदला पूरा लिया जाएगा, इस काम में थोड़ा टाइम लगेगा ज़रूर, एकदम इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं होता, तैयारी होती है पूरी। और मैं तो ये बोलूँगा कि जिस तरीके से इज़राइल पैलेस्टाइन के बड़े कमांडरों के घर को अपना उसको जीरो ऑन करके वहाँ पर एयर स्ट्राइक करते हैं, मेरे हिसाब से ये जो मसूद या जो भी हैं, जो भी आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे हैं, आई थिंक वी शुड ऑल्सो डू द सेम थिंग एंड वी शुड नॉट बॉदर अबाउट द वर्ल्ड ओपिनियन। अभी 32 से ज़्यादा देश हमारे सपोर्ट में आए हैं और सबसे बड़ी बात यह, लड़ाई हमने अपनी लड़नी है, जो 32 कंट्रीज है कोई हेल्प नहीं करेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हमने खुद सॉल्व करनी है। तो इसलिए जो एक्शन लेना चाहें इनको लेना चाहिए, चाहे वो आतंकवादी या चाहे वो स्टोन पेल्टर्स हैं या दूसरे हैं जो गलत काम कर रहे हैं, जो एंटी नेशनल्स हैं, जो हमारी फौज को रोक रहे हैं, आई थिंक दे शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज आतंकवादी। ठीक है, तो सुबेदार साहब यही सवाल आपसे कि कब तक इनको भटके हुए युवा कब तक कहते रहेंगे? गौरव, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमने ये कश्मीर में जो हमारी सरकार ने इतनी फैसिलिटी दी है, ये वास्तव में पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनको, वो ही इनको चला रहे हैं, वही इनको पैसा देते हैं, इन बच्चों को भटकाते हैं और इनमें से ही वो आतंकवादी बनाते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि इस तरह की सेना हमारी फौज पर, किसी भी फौज पर, किसी भी कंट्री में कोई अगर एक पत्थर भी मार दे, एक भी मार दे, तो उसको सजाए मौत है वहां। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसी ट्रेडिशन बनी है ये कश्मीर की, एफआईआर तक वापस ले लिए जाते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है, हमारी सरकार की भी गलती है इसमें। अगर इन्होंने ये रूल रेगुलेशंस कुछ ऐसे बनाए हैं कि वो आतंकवादी होते हुए भी हमारी फौज उस पर एक्शन नहीं ले पा रही है, तो ये एक बड़ी विडंबना है। इसको बाकी देशों की वो देख के, जैसे कि बाकी देशों में किसी भी, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है कि कोई भी किसी की फौज पे जो वहां के जो लोकल लोग हैं वो उनको इस तरह की घटनाएं कर दें, उनको
अगर किसी को गाड़ी भी देते हैं तो कई कंट्रियों में तो उनको भी सजा है, मौत की सजा है। इसको भी हमारा रूल ऐसा करना चाहिए सरकार ने, जो ये इस तरह की जो घटनाएं करते हैं इनको बिल्कुल टारगेट करना चाहिए। इन बच्चों को जो ये अपने आप को बच्चे भी बच्चे क्यों बोलते हैं, ये बोलते तो बच्चे ही हैं और क्या है, वो स्कूल के हैं भी वो बच्चे, उनके वहां के हैं, लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि वो उनको वो बच्चे समझ के अपने लोग समझ के हम उनका वो सहन करते हैं। हम भी प्यार करते हैं, हाँ। कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीर के हमारे भी कई साथी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कश्मीरी होने के नाम पर कुछ भी करेंगे। कश्मीर के लोगों से कोई हो सकता है ये चीजें आज हार्श साउंड कर रहे होंगे, तो लेकिन कश्मीर के लोगों के साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। जितने हिंदुस्तानी हम हैं उतने ही हिंदुस्तानी वो भी हैं, लेकिन कश्मीर हो या कन्याकुमारी, कहीं भी सेना अगर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है और कोई भी आके खड़ा हो जाता है तो क्या वो आतंकवाद को बचाने वाला? प्रदीप जी, मेरे हिसाब से तो मैं बताता हूं, मेरे हिसाब से तो जितने भी पत्थरबाज जो भी एक बार भी दिखाई दे जाए उसको पकड़ लिया जाए और उसका पूरा इंटरोगेशन करके उसको सजा मिलनी चाहिए, उनको पकड़ के इनको छोड़ना ही नहीं चाहिए। प्रदीप जी, ये छोड़ देते हैं वहां जी। गौरव, एक बार फिर हमें 5 शहीदों को श्रद्धांजलि देनी पड़ी ना चाहते हुए भी। हमने भी बहुत सारा नुकसान उठाया है और उसको 2 दिन भी नहीं हुए थे। यही फर्क है कश्मीर में कि वो स्पोर्ट में अंदर से लड़ते हैं, वरना क्या वो 3 आतंकवादी हमारे एक आर्मी मैन उसके लिए काफी था, लेकिन वो अंदर से लड़ते हैं। रेवाड़ी के हरी सिंह की हम बात कर रहे हैं, उनको इसीलिए उसमें टीम में शामिल किया गया था क्योंकि पिछले साल उसने 2 आतंकवादियों को पकड़ा था। देखिए क्यों कि वहाँ के कुछ लोकल, मैं सारे कश्मीर की बात नहीं करता, कुछ लोकल लोगों का सपोर्ट है जो ढाल बनकर आगे खड़े हो जाते हैं। और एक बात और, जिस तरह से हमारे कुछ नेता कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, तो आतंकवादी की भी कोई उम्र नहीं होती, वो बच्चा है, बड़ा है या बूढ़ा है। जो आतंकवादियों की सपोर्ट में आर्मी के सामने आर्मी को नुकसान पहुंचा रहा है वो आतंकवादी। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है, वो आतंकवादी वो है, बिल्कुल वो आतंकवादी है और किसी भी सूरत में माफी के काबिल नहीं है, किसी भी सूरत में रहम के काबिल नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्मी के हाथ बंधे हुए हैं, आज तक बंधे हुए हैं। देखिए हमारी एक हमारे एनवायरमेंट में एक चीज है रहम, हम रहम दिल माने जाते हैं, बहुत ही नरम दिल के माने जाते हैं हम। इन चीजों पे खुद ही आर्मी के लोग खुद ही, आप देखिए कई कितने मौकों पर उन्होंने पकड़ा, सिर्फ एक बांधा या सिर्फ उनको दंड बैठक लगवाई या हल्की सी सजा दे दी, छोड़ दिया। वरना जिसका साथी मरा हो और वो उन पत्थरबाजों को छोड़ दे, ये हमारे यहां हो सकता है, सिर्फ ये पूरी दुनिया में, ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है। और ये हमारे लोकतंत्र की खूबी भी है, ये मैं इसको बहुत कमजोरी नहीं मानूंगा, ये हमारे लोकतंत्र की खूबी भी है। लोकतंत्र की खूबी है, लेकिन हमारे सियासतदानों की कमजोरी है। बिल्कुल गौरव, सुनिए देखिए, मैं आप हम मैं 2-3 दिन से 4 दिन से इन्हीं डिबेट में हूं। हम जिन कंट्रीज की एग्जांपल देते हैं, उदाहरण देते हैं, चाहे वो इसराइल का उदाहरण दें, इराक का दें, किसी भी देश का दें, ऐसा हम नहीं बन सकते। पहले सबसे पहले बात ये ठीक है, हम अपनी आर्मी को भी शहादत नहीं दिलवा सकते, हम अपने जवानों को रोज शहीद भी नहीं करा सकते, लेकिन ये ठीक है कि हम ऐसा भी काम नहीं कर सकते। बट अब वक्त आ गया है इन पत्थरबाजों को और एक आतंकवादियों को, देश के गद्दारों को जो घर में छुपे बैठे हैं, उन गद्दारों को सबक सिखाने का। और अब भी हम नहीं सिखा पाए तो जिंदगी भर हम और हमारी अगली पीढ़ियां भी शहादत देखेंगी। मैं तो ये लेकिन मैं अब वक्त है इनको ठिकाने लगाने का, और इस तरह से ठिकाने लगाने का कि एक मरे तो आवाज जानी चाहिए दूसरे प्रदेशों में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी, कि ऐसा भी कर सकते हैं हम। हमारे अंदर अगर सहन शक्ति है तो हमारे अंदर इतनी ताकत भी है कि हम दुश्मन को अपने अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है सुदेश, हम सुन रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश खड़ा है और वो लगातार इधर उधर जाके बोल रहे हैं, अमित शाह को हम सुन रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये मोदी की सरकार है। आप भुनाने की भी भरपूर कोशिश में लगे हैं एक तरफ तो, क्योंकि चुनाव नजदीक है, दूसरी तरफ चलिए हम ये नहीं पूछेंगे आपसे कि आपकी सरकार क्या एक्शन लेने वाली है, ये हम भी समझते हैं कि सरकार और सेना क्या एक्शन करने वाली है वो टीवी डिबेट्स में नहीं बताया जा सकता है, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ भुनाने की कोशिश कर रहे हैं आप? इन पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त तो हो ही सकते हैं आप, या वो भी नहीं,
आपके हिसाब से एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक बीजेपी के नेता होने के नाते, क्या आज आप ये कह सकते हैं इस मंच पर कि जो पत्थरबाज आतंकवादियों की ढाल बनकर खड़े होते हैं वो आतंकवादी हैं और उनको आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए? देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो मैं जो हमारे देश के वीर शहीद हुए हैं, देश के लिए उन शहीदों की शहादत पर भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और जायज गुस्सा है, पूरे देश में गुस्सा है, आपका भी गुस्सा जायज है, हमारे में भी गुस्सा है। जिस प्रकार का माहौल आज देश में हुआ वो बिल्कुल निंदनीय है, उनकी हम निंदा करते हैं। लेकिन जिस प्रकार की अभी बहस आपकी चल रही थी, मैं सिर्फ इतना भरोसा दिलाना चाहता हूँ सरकार के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, चाहे कोई पत्थरबाज हो, चाहे हम टॉपिक बेस्ड बात कर रहे हैं, मैं बड़ा एकदम सीधा सवाल मैंने पूछा, पत्थरबाजों को आतंकवादी घोषित? गुस्सा नहीं है सर, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ गुस्सा नहीं है, गुस्सा पूरे देश में गुस्सा है, स्वाभाविक है, गुस्सा होना भी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप देखना, चाहे आतंकवादी किसी की मजहब, किसी की जात, किसी का धर्म नहीं होता, चाहे वो कहीं भी छुपा हो, देश के किसी भी कोने में छुपा हो, मैंने सवाल कुछ और पूछा, किसी देश में छुपा हो, उसका छुपा। आज जनता जो सुन रही है ना, वो आपसे जवाब चाहती है, ये पत्थरबाज क्या आतंकवादियों को बचाने वाले, ये पत्थरबाज आतंकवादी नहीं घोषित होने चाहिए? सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे गौरव, आप सीधा पूछिए कि अजहर महमूद, कामरान और गाजी, इनके ढाल बनने वाले कभी हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, आतंकवादी होंगे? नहीं हो सकते। आप बोलिए ना कि आपकी सरकार कब कोशिश बिल्कुल करेगी? मैंने कहा कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, उसमें संलिप्त है वो भी, जिस प्रकार से क्या नहीं छोड़ा जाएगा? आपने आपने विश्वास देखे, मैं आपको बता, गौरव जी निश्चित नहीं, मैं आपको आज का बताता हूं, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हमारे में भी गुस्सा जायज है, गुस्सा नहीं है, हम टेक्निकल सवाल पूछ रहे हैं आपसे। मुझे एक बात बताइए, आज भी वहां जम्मू कश्मीर पुलिस ये रिक्वेस्ट कर रही है उनसे कि आपके घर पे आपके वालदैन इंतजार कर रहे हैं, आप खुदा के निवास पे लौट जाइए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं गौरव जी, सबका चुन चुन के बदला लिया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। सर फिल्मी डायलॉग नहीं प्लीज, एक मैं फौजी हूँ, मैं वहाँ फायरिंग कर रहा हूँ, आतंकवादी को पकड़ने जा रहा हूँ, मेरे सामने बच्चे वो आ रहे हैं, उनके वो क्या है, फिर उनको क्या करूँ मैं, उनसे भी निपटा जाएगा, कैसे निपटा जाएगा, मैं बता रहा हूँ, अभी निपटा जाएगा, मरवा रहे हैं, अभी निपटा जाएगा, सारी एजेंसी आज भी तो नहीं मरवाया है, सुदेश जी कमाली हो जाएगी, देखिए सुदेश जी आज उसको क्या करेंगे, आज नहीं, कौन है वो, नहीं सुदेश जी लग रहा है पार्टी में, अब नहीं, जिस मेरे को पार्टी वार्टी से लेना नहीं होता, मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री बयान दे दिए आते हैं, मैं एक चैनल देख रहा था अभी, एक मिनट पर, पार्टी पूरी से कोई लेना देना नहीं, आज यहाँ पे पार्टी लग रहा है, बात ही नहीं हो रही, क्यों नहीं डाल रहे हैं, इसकी बात हो रही है, मैं बता रहा हूँ अभी, अरे गुस्सा छोड़िए साहब, आप तो भुलाने में लगे हैं, कत्लेआम मचाने वाला खून खोल रहा है, मैं सवाल फिर से पूछ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए सर, आज ये नहीं चलेगा कि आप सवाल से बच के निकल जाएंगे, बड़ा सीधा और सटीक सवाल, सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा हूं, देश की जनता पूछ रही है कि आतंकवादियों को बचाने वाले वो पत्थरबाज आतंकवादी क्यों नहीं है, उनको अरेस्ट करना जड़ से खत्म करने के लिए सरकार कटिबद्ध है, हमारे प्रधानमंत्री क्या कटिबद्ध है, सवाल क्या पूछ रहा है, क्या जवाब दे रहे हैं, आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा, पॉलिटिकल स्टेटमेंट, आप सिर्फ नहीं, अब फिर बात है, मैं अभी एक मिनट पराग बता रहा हूं, मैं पराग जी के लिए बता रहा हूं, एक मिनट, नहीं पराग जी के लिए मत बताइए, अभी मैं देश के लिए बता रहा हूं, सर हाथ जोड़ा फोन पर बात करिए ना, सर एक मिनट, सर सर मैं अभी एक पाकिस्तानी चैनल देख रहा था, एक मिनट समझिए, मैं बता रहा हूं, अरे मैं पराग जी के बता रहा हूं, हमारे में भी गुस्सा है, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, हम देश की बात हो रही है, चलिए आप सबको रोक रहा हूँ, आप सबको रोक रहा हूँ, राजगढ़ चलना पड़ेगा, एक मिनट सर, सर सर प्लीज, राजगढ़ चलेंगे, राजगढ़ गांव में जहाँ हरी सिंह की शहादत के बाद, सर एक मिनट, हरी सिंह हमारे वीर सपूत, उनकी शहादत के बाद हमारी टीम लगातार उनके गाँव में बनी हुई है, जितेंद्र हमारे संवाददाता लगातार वहां बने हुए हैं, वहां बारिश हो रही है, आंखों से भी आंसू गिर रहे हैं और बरसात भी हो रही है, कुदरत भी रो रहा है, जितेंद्र इस वक्त वहां क्या परिस्थिति है, क्या पार्थिव शरीर वहां पहुंच पाया या नहीं? देखिए आपको बताना चाहेंगे गौरव, जो पार्थिव शरीर को लेकर के जो अपडेट अभी जानकारी में आया है कि सुबह 6 बजे पालम एयरपोर्ट से जो उनका पार्थिव शरीर है वो उनके पैतृक गांव में लाया जाएगा,
अभी अगर हम बात करें उनके साथ के तमाम जो युवा हैं, जो अभी पीछे आप तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, ठीक इसी के पीछे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने को लेकर के तैयारी की जा रही है। इससे पहले भी कारगिल के शहीद जो है वो इस गांव से रहे हैं, उन्हीं की समाधि के ठीक नजदीक जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और इसको लेकर के तैयारियों में तमाम उनके साथ के जो युवा हैं वो इस वक्त गांव में लगे हुए हैं। और ना सिर्फ हरी सिंह बल्कि उनके अलावा भी कई ऐसे वीर सपूत रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं देश की सीमा पर अपने हमें सुरक्षा से हम अपने घरों में महफूज रह सकें, सो सकें और अपनी दिनचर्या के काम कर सकें, इसके लिए किस तरीके से उन्होंने अपनी जान न्योछावर की है, इसके लिए और भी कई गांव के सपूत जो हैं इसके पहले रहे हैं। अब फिलहाल अगर हम बात करें तो सुरेंद्र गौड़ हैं हमारे संवाददाता हैं यहाँ से लोकल, उनसे जानते हैं इस गाँव के बारे में और यहाँ के वीर सपूतों के बारे में। और इस अभी आप देख सकते हैं कि तिरंगा झंडा लिए तमाम जो गांव के जो युवा हैं वो यहां पर इस वक्त भी, बारिश का माहौल है लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो युवा हैं वो पूरे तरीके से इस वक्त भी जोश के साथ यहां पर खड़े हुए हैं। और उनका एक कहना है कि ऐसे पत्थरबाजों को और उन तमाम कायर लोगों को एक कड़ा जवाब जो है वो सरकार को देना चाहिए। सेना को जिस तरीके से खुली छूट मिली है वो खुली छूट लिखित तौर पर मिलनी चाहिए और एक सीधा जवाब जो है अब देने का वक्त आ चुका है। धारा 370 को लेकर के भी लोगों का खासा गुस्सा जो है वो गांव के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, और उनका ये कहना है कि अब रह रहकर जो तमाम जो गतिविधि हो रही है उस सब से हट करके इसका सीधा जवाब देते हुए इसका खात्मा करना चाहिए। सुरेंद्र गौड़ जी, आपसे जानना चाहते हैं गांव के बारे में, यहाँ के इस युवा के बारे में किस तरीके से लोगों की पूरी प्रतिक्रिया है, आप यहाँ पर लगातार कवर भी करते हैं और इस गांव के बारे में भी आपको बखूबी जानकारी। अगर बात करूं यहाँ के इस सपूत की तो ये शहादत ये तीसरी शहादत है इस गांव की। इससे पहले बताया भी जा रहा है कि जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसमें भी यहाँ 6 जो शहादत दी गई है। अगर बात करें तो यहाँ लगभग हर घर में एक सैनिक है और यहाँ जो फकर भी है और गुस्सा भी है। जी, गुस्सा आपसे जानना चाहेंगे, फक्र इस बात पर जरूर होगा कि किस तरीके से वीर सपूत ने सीधे जो आतंक के जो सरगना अपने आप को कहते थे उनके छाती पर चढ़ करके उन पर वार करने का काम किया, लेकिन गुस्सा क्या है, गुस्सा जानना चाहते हैं और उस गुस्से का क्या निवारण समझते हैं। अगर गुस्से की बात करें तो गुस्सा यही है कि सरकार कड़ी कार्रवाई करे, इसी को लेकर ये बार बार इसी चीज का गुस्सा है कि सरकार जो कह रही है उस पर कार्रवाई करे, इसी को लेकर इन लोगों में ये गुस्सा है। जितेंद्र, जरा एक बार वहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे पूछिए जरा कि क्या पत्थरबाज जो आतंकियों को बचाते हैं उनको आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हम स्टूडियो में इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, क्या उनको आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं, आपसे जानना चाहते हैं जो पत्थरबाज है वहाँ उन पत्थरबाजों को लेकर के, क्योंकि पहले जो घर के अंदर के जो सांप है उनको उनको उन पर जो है वार होना बहुत जरूरी है। पत्थरबाजों को आप मानते हैं कि आतंकवादी सरकार को घोषित करना चाहिए और उसी हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए? ये पत्थरबाजों के लिए मैं कहना चाहूंगा, पत्थरबाज एक देश के लिए आतंकवादी से कम नहीं है। जो पत्थरबाज है हमारे देश में आतंकवादी से कम, जो सजा आतंकवादी को मिलनी चाहिए वो सजा पत्थरबाजों को भी मिलनी चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा कि मोदी से कि डायरेक्ट ये आदेश दे दे कि पत्थरबाज के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग, जो बंदा हमारे सैनिक को मारे समझ लो देश के हर बंदे को मार रहे हो, जो हमारे सैनिक के ऊपर वार कर रहा है तो वो देश के हर बंदे के ऊपर वार कर रहा है, मोदी पे वार कर रहा है, आम आदमी के ऊपर वार कर रहा है। क्योंकि आज हमारे भारत देश का सैनिक एक आम आदमी नहीं है, जब भारत देश के सैनिक के ऊपर पत्थर कोई मार रहा है तो वो एक आतंकवादी से भी ज्यादा ऊपर का दर्जा दिया जाना चाहिए उसे, क्योंकि हमारी रोटी खा रहा है, हमारे देश में रह रहा है और हमारे ही सैनिक को मार रहा है, फिर वो उसके लिए तो जो आतंकवादी है उससे भी कड़ी सजा होनी चाहिए। शहीद हरि सिंह, ये बताइए जो ये पूरा आप इस समय भी आप पूरे जोश खरोश के साथ गांव के अंदर खड़े हुए हैं, अमूमन मैं आपको बताना चाहूंगा गौरव, यहाँ पर जो गांव है करीब 7 बजे के बाद ही जो अपनी जो जो शाम का जो भोजन है वो करने के बाद जो लोग हैं वो सोने के लिए चले जाते हैं, सुबह 4 से 5 बजे उठ करके यहाँ के जो युवा हैं वो फौज की ट्रेनिंग के लिए सुबह तैयारी करते हैं। अगर बात की जाए, क्योंकि हर युवा का एक ही यहाँ पर सपना होता है कि आर्मी में जाना है, भर्ती होना है, देश की सेवा करना है, लेकिन जब इस तरीके से जो पत्थरबाज सामने आते हैं, इसी बात को लेकर के आज हरियाणा न्यूज पर विशेष डिबेट है कि जो पत्थरबाज है, क्योंकि जो बाहर के जो लोग हैं उन पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, सेना लगातार उसको छूट दे दी गई है, लेकिन जो अंदर के लोग हैं उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर मुख्य तौर पर हम लोगों की प्रतिक्रिया और खासतौर से आज हरी सिंह के शहादत के बाद उसके गांव के लोगों की आप लोगों की प्रतिक्रिया जानना। पहले तो इससे पहले मैं आपको बता दूं
कि जब से गांव को पता चला है उनकी खबरें आने लगी हैं, पूरा गांव सुबह से ही जहां उनके दाह संस्कार होना है वहां पे बैठा हुआ है, महिला क्या, पुरुष क्या, छोटे बच्चे क्या। आज शायद इस गांव में कोई ऐसा घर होगा जिसमें खाना भी बना होगा, छोटा बच्चा भी जो जानता है कि शहीद का दर्जा क्या होता है, उस घर में भी आज खाना नहीं बना है। उस माँ का और उसकी बीवी का, पिता उसके थे नहीं, अब वो एक लौता घर में था, तीन बहनें हैं जिनकी सारी जिम्मेदारी उस पर थी। अब बात रही पत्थरबाजों की, साहब ये है कि जब तक ये राजनीतिक खेल खेलेंगे इन बच्चों का कुछ नहीं होगा। गरीब किसान इस देश को अनाज भी देगा और अपना बेटा भी देगा मरने के लिए, शहीद होने के लिए। इन नेताओं को किसी की कुछ नहीं पड़ी है। और दूसरी बात मैं बोल दूं, जब एक किसान मतलब एक नेता कहीं से गुजरता है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए हजारों, अभी आपने देखा होगा पुलवामा में 44 या 40 वो लड़के शहीद हुए हैं, आज की कुल मिला ले तो 47 हो गए हैं। मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूंगा, पत्थरबाजों को सबसे पहले खत्म करिएगा। और दूसरी बात, 40-50 माओं ने अपने बेटे दे दिए हैं, 100-200 और माएं तैयार बैठी हैं, देश तैयार बैठा है, पर इस बार आर पार का फैसला हो जाना चाहिए। ये जज्बा है, पाकिस्तान की औकात नहीं होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के बाहर ये जज्बा है की तरफ नजर उठा के भी देख सके। जितेंद्र, एक आखिरी सवाल आपको बीच में रोक के पूछना चाह रहा हूँ। अपनी अपनी पॉलिटिक्स ना करें, इस देश के बेटों ने शहादत दी है, उस माँ के बारे में सोचिए जिसने अपना बेटा खोया। जी गौरव, एक आखिरी सवाल, जो जानकारी हमें मिली थी कि उनकी माता को और उनकी पत्नी को शायद ये जानकारी नहीं दी गई थी उनके शहादत के बारे में, क्या अब उनको जानकारी दे दी गई है या उनको अब तक नहीं इत्तला दिया गया है इस बारे में? देखिए, उनके उनके जो परिवार के जो लोग हैं, जो माता की बात की जाए, उनकी धर्मपत्नी की बात की जाए, उन्हें गांव के अंदर का माहौल जानने के बाद और कुछ सुखबुगाहट जो है उन तक जरूर पहुंच चुकी है और इस बात की जानकारी उन्हें भले ही मिल गई हो, लेकिन पुष्टि जो है उनको अभी तक भी नहीं की गई है। गाँव में जो दूसरे लोग थे उनको दूर रखा गया, हालांकि गाँव के लोगों से और हमारे जो यहाँ संवाददाता है सुरेंद्र गौड़, उनसे भी जानना चाहेंगे परिवार को क्या पूरे तरीके से पुष्टि कर दी गई है माँ को, उनकी धर्मपत्नी। परिवार को अभी किसी भी तरीके से पुष्टि नहीं की गई है, किसी सदस्य को यह नहीं बताया गया है कि इस तरीका का कोई हादसा हुआ है जी। तो जैसे ही कल पार्थिव शरीर यहाँ आएगा तभी उनके परिवार के सदस्यों को या उनकी बीवी को या उनकी माँ को ये पता लगाया बताया जाएगा कि ये इस तरीका का हादसा हुआ है जी। क्योंकि अपने आप में एक बड़ा परिवार के लिए, भले ही गांव गर्व कर रहा है और भी माएं इस बात के लिए गर्व कर रही हैं कि अपने जो सपूत है उन्हें भेज दिया जाएगा, लेकिन जो सीधे तौर पर परिवार को अगर ये खबर मिलती है तो एक बड़े झटके के तौर पर होगी और उसी को ध्यान में रखते हुए जितेंद्र आप वहां बने रहिएगा, अपडेट्स के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। हालांकि अंदेशा उन्हें जरूर लग चुका है जिस तरीके से गाँव के अंदर का माहौल इस वक्त बना हुआ है। फिलहाल शुक्रिया आपका जी पराग जी। हालांकि मैं आपसे कुछ और सवाल पूछने वाला था, लेकिन ये पूरा सुन के अंदर से क्या महसूस कर रहा है हर हिंदुस्तानी, क्या ये सियासत में बैठे चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो कोई भी हो, क्या आप लोगों को महसूस तक होती है ये तकलीफ कि किसी का बेटा किसी का पति शहीद हो चुका है और गांव के लोग ये सोच रहे हैं कि उनको झटका कितना कम लग सके, उनको बताया नहीं गया है हालांकि उनको अंदेशा हो चुका है। इसका जवाब नहीं होगा, इसका जवाब मेरे अंतर्मन से निकल रहा है। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि मैं खुद एक फौजी की बीवी हूं, मैं जानती हूं उस माँ का दर्द जो मेरी मेरे पति की माँ का दर्द हो सकता है, वही दर्द आज उन माओं का है जिनकी कोख उजड़ गई है, वो दर्द उन बहनों का हो सकता है जिनकी जो कलाई ढूंढेंगी हर रक्षाबंधन पर, मैं समझ सकती हूं वो दर्द। और इसको मैं राजनीतिक जवाब में नहीं तब्दील करूंगी, मैं तब्दील करूंगी अपने दिल के आवाज से इसको इसका जवाब दूंगी। हमारी भारत सरकार में जिस तरीके से 17-18 उग्रवादी हमले कर दिए जाते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स इशू कर दी जाती हैं, क्या उससे इस गांव का रोष जो अभी हम चैनल पे देख रहे थे ये खत्म हो जाता है? क्या वो बच्चा वापिस आ जाएगा जो माँ फौज में अपने पूरे बच्चे को भेजती है, उसकी अंतड़ियां और हाथ पैर अलग अलग हिस्सों में आते हैं, क्या यही उम्मीद और इंतजार रहता है हमारे राजनेताओं को? मैं नहीं समझती, ये बहुत शर्मिंदगी वाला हिस्सा है हमारे देश का और हम विश्व के मानचित्र पे जग हसाई करवा रहे हैं अपनी। मैं यही कहना चाहूंगी कि राजनीति बंद होनी चाहिए, आप देश की जनता जवाब मांगती है, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपके हाथ में आपके कंधों पे बागडोर है तो आप जिम्मेदार भी बनिए
और जवाब भी दीजिए। जवाब देना होगा और ये इससे बेहतर वक्त नहीं मिल सकता है। प्रदीप जी मैं जानता हूं आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे, आप कहीं मत जाइए क्योंकि आज हम यहां यही चर्चा कर रहे हैं, इन पत्थरबाजों का क्या करें, इन नेताओं का क्या करें जो इन पत्थरबाजों को मासूम बच्चे, भटके हुए बच्चे कह देते हैं, क्या करें इन लोगों का और क्या एक्शन होना चाहिए कि पाकिस्तान ये सबक सीख जाए कि आगे से हिंदुस्तान की तरफ आंखें उठाकर भी देखी तो गर्दन मरोड़ दिया जाएगा। सवाल पूछ रहा है देश की, आतंकवादियों की ढाल बनकर पत्थर बरसाने वाले आतंकवादी क्यों नहीं घोषित किए जाने चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और उन्होंने इस पर कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, बहुत ही खूबसूरती से डिप्लोमेटिकली उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की। लेकिन सुदेश जी अभी आपने सुना हरि सिंह के गांव के लोगों को, हरि सिंह के गांव के युवाओं को, वो कह रहे हैं आतंकवादियों से बड़े आतंकवादी हैं, उनमें ज्यादा हिम्मत है, आप सत्ता में काबिज हैं, आप में हिम्मत क्यों नहीं हो रही है और क्या इसी वजह से हिंदुस्तान का ये हाल है? आप 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना करते रहे इतने दिनों में, आप उन्हें एक मिनट मैडम मुझे प्लीज पूरा करने दीजिए, उन्हीं लोगों के साथ जाके गलबहियां करने लग गए जिनसे सीधे विपरीत आपकी विचारधारा थी, जिससे ऑपोजिट थे आप, और उन्हीं के साथ जो इन पत्थरबाजों को भटके हुए लोग, भटके हुए बच्चे कहते हैं, उनके साथ गलबहियां कर ली, फिर सत्ता से अलग हो गए और अब भी खुलकर नहीं बोल पा रहे कि ये आतंकवादी हैं। देखिए गौरव जी, जिस बात के ऊपर, जिस आतंकवाद के ऊपर, इस देश की इस घटना के ऊपर जो बहुत बड़ी घटना है, जिसकी निंदा मैं पहले कर चुका हूं, देश की शहीदों की शहादत जाया नहीं जाएगी, देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं आतंकवाद का जड़ से सफाया किया जाएगा, आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। सुदेश जी मैं नहीं पूछ रहा हूं कि आप तीर कमान लेकर पाकिस्तान पर चढ़ाई कब कर रहे हैं, ये हम नहीं पूछ रहे हैं, सड़कों के कूड़े हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि आतंकवादियों को बचाने वाले पत्थरबाज आतंकवादी क्यों नहीं घोषित हो सकते हैं। देखिए सेना की तरफ से बयान आया, सेना ने एलिमिनेट किया, उनकी तरफ से प्रशासन की तरफ से बयान आया, सरकार का कोई बयान नहीं है। उन्होंने कहा कश्मीर की बहुत सारी ऐसी जगह जहां आतंकवाद का बिल्कुल सफाया हो चुका है, ये आर्मी की स्टेटमेंट है, हमारी नहीं है। किस प्रकार से आर्मी ने बोला, मैं बता रहा हूं कि ये जो पत्थरबाज हैं ये दे आर इक्वल आतंकवादी समझे जाएंगे। सर वो आर्मी चीफ कह रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बोलेंगे आप बोलेंगे, पता नहीं देंगे आतंकवादियों को और आतंकवादियों को साथ देने वालों को एक एक से करारा जवाब लिया जाएगा। आतंकवादियों का साथ देने वाले आपके साथ गोलियां नहीं, उनको बम से फोड़ा जाएगा, उनको गाजर मूली की तरह गाजर मूली की तरह काटेंगे, जहाँ छिपे उस देश में जाके काटेंगे, जिस देश में छिपे अंदर जाके काटेंगे। हमें भी गुस्सा है, पॉलिटिक्स ज्यादा आगे हमारे में भी बिल्कुल है, पॉलिटिक्स मत करिए, पॉलिटिक्स गाजर मूली की तरह काटेंगे, मुझे एक बात बताइए काटेंगे, मुझे एक बात बताइए, वो भी बता करेगी, एक मिनट, एक मिनट जगह प्रधानमंत्री सेना निर्देश जी, आम आवाम देख रहा आज प्लीज इस डिबेट को पॉलिटिकल डिबेट बिल्कुल बनाइए और इस तरह की चीखम चिल्ली मत करिए कि आवाम ये कहना, एक मिनट पराग जी चाहिए, पराग जी प्लीज प्लीज, सुदेश जी आपसे भी करबद्ध प्रार्थना है कि इस डिबेट को कम से कम उस दिशा में मत ले जाइए जो आप रोज आके यहाँ करके चले जाते हैं, घर खाना खाते हैं सो जाते हैं। मैं बड़ा सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, आप कह रहे हैं गाजर मूली की तरह काट देंगे, आपके मुंह से ये क्यों नहीं निकल पा रहा है कि आतंकवादियों की ढाल बनने वाले इन पत्थरबाजों को हमारी सरकार आतंकवादी घोषित करती है? कहा देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा जिस दिन ये घटना उस दिन कहा कि आतंकवादी और आतंकवादियों के साथ मिले हुए हर शख्स को एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा, कहा नहीं कहा जी, देखो पत्थरबाजी उसमें जो संलिप्त पत्थरबाजी से ऊपर है, जो संलिप्त कह दिया ना, एक मिनट कह दिया ना, एक मिनट राजनीति नहीं करना चाहता ज्यादा, आपने कह दिया ना, सुनिए ना, सुनिए ना, आपने कह दिया ना, एक मिनट पराग जी, एक मिनट पराग जी, कोई इंसान कोई व्यक्ति जाता आर्मी में ये बोलते हैं वो आतंकवादी है, एक मिनट मैडम अगर अगर आपके प्रधानमंत्री ने ये घोषित कर दिया है तो एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए, हम फौज का हिस्सा है, नहीं नहीं हम वो दर्द समझते हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट सुदेश जी, अगर आपके हिसाब से प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है कर दिया है तो आज जो पत्थरबाज वहाँ
पत्थर लेकर खड़े थे उनको पुलिस प्रशासन को यह क्यों कहना पड़ रहा था कि आपके वालदेन इंतजार कर रहे हैं, आप घरों को लौट जाइए, आपसे हमको बहुत उम्मीद है, आप देश का भविष्य है। अगर वो आतंकवादी घोषित है तो वही ठोक देना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए वो सेना का काम है गौरव जी, सेना को पूरी छूट दे दी गई है। कब दे दी गई? छूट दे दी गई है। कब दे दी गई? तरीके से करेगी इसको, पहले सेना के हाथ बांध रखे थे। और मैं तो खास तौर पर नेशनल सिक्योरिटी पे सेंध लगवा दी, नहीं करेंगे ना, ना इस पे कोई बयानबाजी, इस पे राजनीति। आपका बयान चाहिए जनाब, आपका बयान चाहिए हमें, राजनीति बाद में। सुदेश जी समझ गया मैं, आपका आपके लिए देश कितना पहले है और आपकी पार्टी के लिए कितना पहले है वो लोग सुन रहे हैं, वो डिसाइड कर लेंगे। पराग जी, हाँ जी, क्या आप इस बात को मानती हैं कांग्रेस नेता के नाते कि हुर्रियत और इस तरह के तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनको पूरी तरह से देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए और उनके खिलाफ वही एक्शन होना चाहिए जो एक देशद्रोही के खिलाफ होता है? क्योंकि ये कई बार साबित हो चुका है कि उनको कहां से पैसे आते हैं, ये तो साबित हो चुकी चीजें हैं। मैं आपसे यही बात बोल रही हूं कि चाहे वो हुर्रियत हो और चाहे वो फलाना हो चाहे ढिकाना हो, जो आदमी देश के विरोध बात करता है, जब जेएनयू में ये लोग नारे लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, आपके अध्यक्ष सपोर्ट में खड़े होते हैं, उसको ये आप आदमी की बात कीजिए, आप आदमी की बात कीजिए, आप हिंदू मुसलमान की बात कर देते हैं, मुसलमान भी हमारे देश में शहीद होकर आता है। मैं आपको वही कह रही हूँ, मुसलमान कहाँ से बीच में आपको बात ही नहीं हुई, आपको मैं एक बात कह रही हूँ, आप जेएनयू या कोई भी ले आते हैं जो आपसे कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग के सपोर्टी घोषित करते हैं, और जो आपके बाकी पत्थर बाज जाते हैं उन्हें आप आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। आप भी टुकड़े टुकड़े गैंग में जो लोग समर्थन देते हैं उसी पार्टी का हिस्सा हैं। आप आपकी पार्टी से भी लोग जाके समर्थन करते हैं। पर्टिकुलर आदमी को पकड़िए जिसकी सोच बेकार है, जिसकी सोच आतंकवाद की तरफ है, वो आतंकवादी है, हमारी भी नजर में वो आतंकवादी है। तो आपके जो देश के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जब आपको मौका मिला तो आप क्या कह रहे थे? नारे लगाएगा तो वो तो आतंकवादी कहलाएगा, उनके पक्ष में खड़े थे। तो आज आप क्या करवा रहे हैं? मैडम प्लीज आज ये मत करिए, सुदेश जी प्लीज, लोग देख रहे हैं, ऐसे ही हमारी आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं लेकिन दिल में अंगारे हैं, तो प्लीज ऐसा कोई काम मत करिए। प्रदीप जी, जी सर, एक तो पत्थरबाजों का हमने कर लिया, इनकी विल पावर है कि नहीं वो खैर वो देखेंगे बाद में, इनसे इनके मुंह से तो नहीं निकला कि वहां वो आतंकवादी हैं। आप एक बात बताइए, ये जो तमाम ऐसे एलिमेंट्स हैं हुर्रियत और तमाम इस तरह के एलिमेंट्स, क्या इनको देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए? देखिए गौरव, हम सीधे तौर पर आतंकवादी कह रहे हैं जो आतंकवादियों के ढाल बने हुए हैं, उनको आतंकवादी कहा, वो पत्थरबाज हैं, उनका उनको क्या कहें जो उन आतंक जिन पत्थरबाजों के एक छोटी सी FIR के लिए 5 दिन संसद नहीं चलने देते, उनको क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया, उनको क्या कहेंगे? इस देश में हुआ है और अभी हुआ है कि 5 दिन संसद नहीं चलने दी इन पत्थरबाजों के लिए, और उन पत्थरबाजों को मासूम कहा जाता है और FIR तक वापस ले ली जाती है, उनको क्या कहेंगे आप? हुर्रियत, देखिए मैं आपको बताऊं, हमें दुश्मन से कभी भी वफा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, वो कभी बात मान जाएगा, डायलॉग्स करेगा। कोई नेता कहता डायलॉग्स करिए, अरे कमाल है, आप दुश्मन से डायलॉग्स की बात कर रहे हैं जो रोज हमारे सैनिकों को की शहादत ले रहा, हम उसको उससे डायलॉग की बात करते हैं, और ऐसे वक्त पे जब 40 शव 40 परिवारों में जाते हैं और उस वक्त कहते हैं कि बात कीजिए, डायलॉग शुरू कीजिए, क्यों नहीं वो पार्टियां उनके खिलाफ एक्शन लेती हैं? 40 क्या, पूरे देश के जवान थे, पूरे हिंदुस्तान से, वो पार्टी उस वक्त कहां जाती है जब उनका एक जब उनका एक मंत्री और एक नेता ये खड़ा होके कहता है कि डायलॉग होना चाहिए? मौन नहीं है, हमने नहीं, मौन है ऑपोजिशन यूनाइटेड है। किसने किसने संसद रोकी? यूनाइटेड है, और हम हर तरीके से हमारे सुरक्षा बलों के साथ खड़े हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमारे उदाहरण दे रहा हूं, गुलाम नबी आजाद जी का ये बयान आ चुका है, उन्होंने बोला है कि सारे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के अध्यक्षों की बैठक बुलाई जाए, बुलाया जाए, आज उनका बयान आ चुका है, आप राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अध्यक्षों की बैठक बुलाए, दोगला चरित्र जो है ना सियासत में, गौरव, एक मिनट गौरव, दोगला चरित्र जो सियासत का है ना, मैं आपको बताता हूँ सत्ताधारी पार्टी के लोग भी इस तरह के बयान देते हैं, जवाब मांगेगी जनता, उन्हें डूब के मर जाना चाहिए, चौकीदार अपनी डूब के मर जाना चाहिए। एक मिनट सुनिए मैडम, एक मिनट सुबेदार साहब, ये फिर बच के निकल, सत्ताधारी पार्टी के भी कुछ नेता सुनिए, सत्ताधारी पार्टी के भी कुछ नेता इस बेहतर सैनिकों के खिलाफ बेहुदा बयान देते हैं और डूब के मर जाना चाहिए पार्टी के। मैं एक फौजी की पत्नी होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से
रही हूँ। हमने सरकारें आती जाती रहेंगी, हमारा जवान पहले सुरक्षित रहना चाहिए। हम आपकी ये दोहरे चरित्र सामने आने चाहिए। हम आपको इस बात के लिए बहुत इज्जत देते हैं, इस बात के लिए आपको बहुत इज्जत देते हैं कि आपके पति फौज में हैं, लेकिन सियासत का ये कैसा, मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये कैसा दोगला चरित्र है सियासत का कि जिस दिन ये हमला हुआ उस दिन आपके प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला आकर क्या गिनवा रहे थे? 18 वो गिनवाएंगे, वो दिखाएंगे देश की क्या हालत कर दी है, दुर्दशा कर दी आप लोगों ने। एक मिनट पराग जी, पहले सवाल पूरा होने दीजिए। और उसके अगले दिन जब आपको पता चल गया कि देश का मूड ऐसा है कि इस वक्त सियासत कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और कहते हैं हम सरकार के साथ खड़े। एक मिनट, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ पराग जी, पराग जी एक मिनट, कि हम कांग्रेस की सरकार नहीं है जी, आप वो क्या, आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आए हो, आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आए हो, मैं आपसे कांग्रेस का सवाल पूछ रहा हूं। सिद्धू साहब जाके गले मिलके आते हैं, तब भी बवाल हुआ था, उसके बाद जब देश में गुस्सा है वो हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, आप बातचीत की बात करते हैं, हम बातचीत की बात नहीं करते, वो आपके पार्टी से है, उन्होंने क्लीन चिट दे दिया पाकिस्तान को कि आप एक कौम और एक देश को, नहीं मैंने वो पूरा इंटरव्यू सुना है, आप वो आप कहते हैं कि सुना नहीं है, पराग जी आपने सुना है, चार आदमियों के काम के पीछे एक देश और एक कौम को बदनाम, और उनको गाली देने से कुछ नहीं होगा, ऐसे लोग आज भी पार्टी में वाकिफ नहीं हूँ, नहीं तो आपको मालूम होना चाहिए, वाकिफ नहीं हूँ आपके पार्टी के, आज भी पार्टी में है, चलो आपके पार्टी, एक मिनट सर, सुबेदार साहब माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ, एक बात बताइए, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ये कहते हैं कि वो सरकार के, देश के, सेना के साथ खड़े हैं, तो ऐसे लोगों को पार्टी से निकालकर बाहर क्यों नहीं फेंकते? एक मिसाल, एक मिसाल कायम करनी चाहिए, भी कायम करनी जाएंगी, कब वो आदमी कह रहा है सबके सामने आकर, और आज फिर कहा उसने, बेशर्मी, आज बेशर्मी के हद देखो, आज उसने कहा जो मैंने कहा था, क्या है मैडम, पार्टी लाइन पे जो भी एक्शन बनता होगा ऐसे लोगों के क्या बनता जाएगा, क्या कब, आप आज जनता, आज आप जनता का मूड देखिए ना, जितने भी पॉलिटिशियन है, क्या वो किसी भी पार्टी से है, करो एक मिनट, गौरव ये जितने भी पॉलिटिशियन है, क्या वो किसी भी पार्टी से है, ये हमाम में सारे नंगे हैं, गौरव सुनिए, गौरव मेरी एक लाइन सुन लीजिए, ये जितने भी पॉलिटिशियन है चाहे वो किसी भी दल के हैं, चाहे वो सत्ताधारी है या विपक्ष है, सारे हमाम में नंगे हैं, बिल्कुल है सुबेदार साहब, मैं इस बात पे आपसे सहमति नहीं रखूंगी, नहीं मैं आपको गिनवा सकता हूं मैडम, एक नहीं दसियों वाक्य हैं, आप ये बताइए कि पिछले पांच साल में आप खुद अपनी डिबेट को पॉलिटिकल कर रहे हैं, आप इस डिबेट को, आप इस डिबेट को प्लीज, जो अभी हमारे पुलवामा में शहीद हुए उन्हीं पर एलर्जी जाएंगे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये कश्मीर का जख्म नासूर आपकी वजह से बना है, आपकी वजह से, हमारी पार्टी से क्यों बना है, आप ये बताइए, आप इतिहास के पन्ने में पलट के बताऊं आपको, किसने, मैं पलट के बताऊं, भाजपा की सरकार होती है और उसके बाद भी अपना गठबंधन तोड़ देते हैं, और उसके बाद गवर्नर रूल होते हुए भी, मैडम इसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ, 89 में जिस दिन रूबिया कांड होया था मैं श्रीनगर में था, 89 से 93 तक मैं वहाँ बारामूला में रहा हूँ, फौजी हूँ मैं, 22 साल फौज में नौकरी करी है मैंने, 16 साल अभी मैंने देख लिया है, सुबेदार हूँ फौज का, ये जो बीज बोया है ना ये आतंकवाद का, 89 से राजीव गांधी के उस टाइम से बोया है, पहली बात, दूसरी बात ये ध्यान से सुनना प्लीज, दूसरी बात बताता हूँ, क्योंकि मैंने तो 4 साल वहां देखा है ये उसी टाइम, उसके बाद अभी तक जब भी जो भी चीजें हुई हैं फौज की बारे में, कांग्रेस ने फौज को कभी सपोर्ट नहीं किया किसी चीज में भी, कांग्रेस पार्टी, मैं तो फौजी हूं, मैं कह रहा हूं मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं नहीं मैंने किसी पार्टी लेना देना, को रोक के रखा हम लोगों ने 40 साल तक फौजियों का जो है ना वो हक, इस हक। वन रैंक वन पेंशन का यहाँ से स्टार्टिंग मैंने करवाई है हमने, करेक्ट, यहाँ से गुड़गांव से, उस पे इन्होंने कोई कुछ नहीं किया, फौजियों के जो बॉर्डर लाइन का जो पैसा था आज आपको बता दें 35,000 करोड़ रुपए 35 साल में ये कांग्रेस पार्टी जिम की, वहां कुछ नहीं किया डेवलपमेंट, बारामूला कपवाड़ा उरी सारा सेक्टरों में ऐसे ही किया, अब की बात ले लो, आज कल परसों की बात ले लो, जब सब पूरा देश उन शहीदों को नमन कर रहा था, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मोबाइल लेकर बात कर रहे हैं वहां, ये क्या आप, ये क्या सिस्टम है, वो मॉब पिक्चर है, क्या और वो पिक्चर है, वो की आईटी सेल की शरारत है, क्या आईटी सेल कैसे करते हैं, अभी यहाँ आप दोनों फोटो देखिए, अगर आप आईटी एक्सपर्ट हैं, 10 मिनट के लिए वो नहीं रह सकता, अगर आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आप चेक कीजिए दोनों फोटो आज के डेट में, पॉलिटिक्स जो कर रहे हो ये सद्दू है,
ये तुम्हारे कांग्रेस है, ये क्यों कर रहे हैं पॉलिटिक्स? तो आप निकाल दीजिए ना मैडम, सोच अलग रख सकता है, निकाल दीजिए ना पार्टी से, पार्टी लाइन नहीं है। आप पार्टी से निकाल क्यों नहीं देते हैं? बिल्कुल आप बोलिए, आज भी अभी भी बोल रहे हैं, देश बोल रहा है, पराग जी, पराग जी, पराग जी, फल की एक टोकरी में एक फल खराब हो जाए तो बाकी फलों को बचाने के लिए एक आदि तो है। अब पार्टी तो लाइन पे प्रदीप जी मैं आपसे यही कह रही हूँ, जो भी एक्शन होता लेट है पार्टी, पार्टी तब लेती तक, है तब तक बहुत लेट हो जाएगा। एक आज की डेट में भी अभी पत्थरबाजों को हम जो टेररिस्ट जो मैं पूरे देश आप की बात, ये बताइए आप की बात करना बोलकर आप नरेंद्र मोदी जी का बचाव कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सुनिए 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 पूरी दुनिया में सुनिए 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी अगर फौज को हाथ भी लगा देता है फौजी को कोई भी शिव नहीं उसको हैंग कर दिया जाता है। यहाँ तुम्हारी कांग्रेस पार्टी वहाँ की पहले करती है, पराग जी एक मिनट, कर्नल साहब आपसे समझना चाहूंगा मैं कि पत्थरबाजों पर संसद रोक देते हैं। मैं तो आपसे बोल रही हूँ ये कैसा मजाक बना रखा है इन्होंने लोकतंत्र का। मैडम आप क्या इस बात से सहमत है कि पत्थरबाजों को आपकी पार्टी सहमत है कि उनको आतंकवादी घोषित किया जाए? मैं सहमत हूँ इस बात से, मेरा मेरी निजी राय है कि आपकी पार्टी मैडम निजी राय पार्टी मैं पार्टी की तरफ से अगर बयान दूं तो मैं सहमत हूं कि हमें पत्थरबाजों को इन अलग चलिए बहुत बढ़िया ये अच्छी बात है। हम इसका आपको साधुवाद देते हैं कि आपने कम से कम इतनी हिम्मत की कि आप ये कह रहे हैं। कर्नल साहब एक बात समझ लीजिए कि ये पत्थरबाज ये आतंकवाद ये मुट्ठी भर दो कौड़ी के लोग क्या इतने शक्तिशाली हैं कि अगर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम चाहे तो इनको हम घर से अपने ही घर से इनको बाहर निकाल नहीं सकते, इनको इनके टुकड़े टुकड़े हम नहीं कर सकते, इनको गोली हम नहीं मार सकते? ऐसा है हमारा हमारा जो रूल बने हुए या हमारा कानून है वो इतना लचर है मैं आपको कह नहीं सकता। और जब आपने भी रिसेंटली सुना कि एक गाड़ी तीन फाटक को पार करके जा रही है और किसी ने रोका, जब जो ड्यूटी पे था उसने गोली मार दी मर गया वो बंदा, एक वो सैनिक जेल में है। कहने का मतलब यह है कि अभी भी मैंने पिछली बार भी डिस्कशन में बोला था इस वक्त जरूर है जो अभी मोदी जी ने बोला जी हमने आर्मी को पूरी हक दे दिए, नहीं आई डोंट एग्री विद इट। वहां पर जनाब पूरे J&K में ये जो डिस्टर्ब एरिया एक्ट है वो लगाएं, उसके बाद पत्थरबाज क्या पत्थरबाज का कोई और बच्चा भी वहां पर कुछ नहीं कर सकता नहीं, नहीं, एक मिनट, क्योंकि वो कानून उस वक्त आर्मी का होता है, मेरी बात समझे, और ये डरते हैं उस वक्त। अभी ये जो आपने बोला अभी, मैं किसी कांग्रेस या बीजेपी की तरफ से नहीं बोल रहा, लेकिन अगर पुलिस वाले ने बोला भी हम आप बच्चे हो आपका भविष्य जो भी है, क्योंकि वो पुलिस वाले वो J&K पुलिस वाले हैं, वो आर्मी वाले नहीं है, इवन आर्मी वालों को भी इतना हक नहीं उस वक्त, लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं वो J&K वाले हैं, वो ऐसे ही बोलेंगे, वो गोली नहीं मार सकते उनको। लेकिन अगर ये J&K में पूरे में अगर डिस्टर्ब एरिया एक्ट है फिर पत्थर ब्याज क्या कोई कुछ नहीं कर सकता और ये सब अंडरग्राउंड रहते हैं या मरेंगे। तो ये एक मिनट और बोलूंगा, इसे रिक्वायरमेंट ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी सरकार जब पावर में आई है और मोदी जी अपने आप को जब ये कह रहे हैं अगर मैं 56 इंच का छाती है ये है वो है, आज तक उन्होंने भी फौज को जो क्लियर कट जो ऑर्डर देने चाहिए थे, जो फौज को जितने भी अभी जो उग्रवादियों के द्वारा ये मारे गए हमारे शहीद हो यहाँ जवान शहीद नहीं हो जी कत्ले आम उनको है। उनको भी मोदी साहब ने भी देश के साथ न्याय नहीं किया है। ठीक है, मैं क्योंकि आखिरी सेकंड में पहुंच गया, मेरे पास सिर्फ 4 मिनट हैं बचे हुए, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए और इस पर प्लीज सर कोई पॉलिटिक्स नहीं करिएगा। सुदेश जी 370 आपके मैनिफेस्टो में चीज थी, क्यों नहीं हटा रहे हैं, क्या रोक रहा है आपको? आपने उसको इंट्रोड्यूस तक नहीं किया, आपने कोशिश तक नहीं की उस दिशा में, उल्टे वो जो 370 के उल्टे खड़े थे उसको हटाने की के खिलाफ खड़े थे, उनके साथ आपने दोस्ती कर ली। शुरुआत करो 35 से शुरुआत तो कर दो। 35 से शुरुआत तो कर दो, पूरा देश डिस्कस कर हुआ है उसका बदला लेने के लिए सर बहुत निराशाजनक अप्रोच है आपका। मैं बता रहा हूँ पहले उसका बदला लिया जाएगा, कैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल दिया जाएगा। 370 हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, सीधा सवाल है, मारा जाएगा सारे काम होंगे। 370 हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, मंत्री जी ने कहा, जिस कटारिया साहब कर्नल साहब ने सुदेश सेना को पूरी 370 हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, पहले क्यों आप सुनिए सुनिए आप अपने विचार तो दे दीजिए। सुनिए 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 अपना पता तो आपके दिमाग में क्या है वो तो बोल दो। सुनिए कटारिया जी
आप चाहते हैं 370 हटे, बस इतनी बात है। हाँ या ना वो जवाब। हाँ बोलो यार। बिल्कुल चाहते हैं, चाहते हैं। क्या चाहते हैं? चाहते हैं मैं देश का नागरिक होने आप का चाहते थे तीन तलाक दूं, 370 हटे, तीन तलाक हटे और देश में आतंकवाद जड़ से समाप्त हो, वो हटा दिया, नकेल कर गौरव में एक लाइन में बता दूं, यहाँ तीन तलाक हट जाता है वो उस कानून में तब्दीली हो जाती है और यहाँ 370 की बात भी अभी डिस्कशन भी नहीं होती क्योंकि उससे वोट नहीं मिल रहा। ठीक है, एक एक करके एक एक लाइन का जवाब सर प्लीज, लास्ट में हमको वाइंड अप करना है। सुदेश जी 370 हटाओगे, मंशा है या नहीं है? आज पुलवामा का जिक्र है सर, हटाओगे या नहीं? सीधा बोलो ना सर, आप जवाब दे दीजिए। 370 पे बिल्कुल कार्यवाही होगी। कब हटेगी? सरकार कटिबद्ध है इस बात को लेकर। कब? समय आने पर सारे काम हो जाएंगे। पराग जी आपकी पार्टी के हिसाब से 370 हटाया जाना चाहिए? हटाई जानी चाहिए बिल्कुल, इनका मैनिफेस्टो था, अब ये नहीं करेंगे, आप अपना बताइए, काम हमें करने पड़ेंगे। आप अपना बताइए, तो 50 साल तक कुछ 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 नहीं, इन्हें 5 साल का मौका दिया, इन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, आपने मौका नहीं दिया प्लीज, कि मुंह भी नहीं बोला 5 साल में। पराग सर सर छोड़ दीजिए, 40 साल तो आपके अलावा कोई टाइम नहीं था, प्रदीप जी टाइम नहीं उस दल में, क्या सुविधा मैडम माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं आपको, रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा प्लीज, इसके सीने को दिखाया बिना सरहद पे गए हुए। सुविधा साहब मैं कहूंगी एक मिनट, एक मिनट, आर्मी ऑफिसर का है जो सरहद पे लड़ाई करता है। पराग जी प्लीज, सुविधा साहब 370 हटना चाहिए, बस एक हटना चाहिए और बिल्कुल हटना, जितना जल्दी हो सके। प्रदीप जी 370 हटाया जाना चाहिए, इस वक्त बहुत जरूरी है, ये अब तक हट जाना चाहिए था। कर्नल साहब ऐसा है, ये फिलहाल तो इनकी 2/3 मेजोरिटी नहीं है, लेकिन एक एक आंसर है जो आर्टिकल 35A है, उसके एक मिनट, उसके हिसाब से सिर्फ प्रेसिडेंट को एक ऑर्डिनेंस इशू करना है और ये हट सकती है परमानेंटली। इनकी विल पावर हो तो जल्दी जब भी हट सकती है, एक हफ्ते के अंदर। एक मिनट जल्दी से, और वो जो जो ऑर्डिनेंस है वो प्रेसिडेंट से, ओनली प्रेसिडेंट कैन डू इट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन उसको भी 6 महीने के बाद में दोनों सदनों में ऑर्डिनेंस होते हैं वैसे ही, इसको भी 6 महीने के बाद, तो ये इनको इमीडिएट करना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का, हालांकि बहुत सारे सवाल और हैं, बहुत सारे और प्रश्न हैं जो हर हिंदुस्तानी के जहन में, हर हिंदुस्तानी के दिल में इस वक्त उमड़ घुमड़ रहे हैं शोले बनकर, लेकिन सवाल यह है कि 370 क्यों नहीं हटाया जा सकता है, सवाल यह है कि पत्थरबाजों को आतंकवादी क्यों नहीं घोषित किया जा सकता है, और सवाल यह है कि हुर्रियत जैसे तमाम जो एलिमेंट्स हैं इनको देशद्रोही क्यों नहीं घोषित किया जाता है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अपना रखिए ख्याल, नमस्कार।